सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के संस्कृत विषय के मोस्ट इम्पॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन को यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ऑलरेडी बहुविकल्पी सारे प्रश्नों को मैं करा चुकी हूँ, तो आप सारे प्रश्नों को देख सकते हैं। दोस्तों, आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपका फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर भी मैंने कंप्लीट करा दिया है, तो आप फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर को भी पूरा देख लीजिए। दोस्तों, अगर आप सीरीज को पढ़ के जाते हैं तो आपकी और अच्छी तैयारी हो जाती है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में जो पहला प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है, दोस्तों पूछ रहा है दीर्घ संधि का सूत्र लिखकर अस्पष्ट कीजिए। तो दीर्घ संधि का जो सूत्र होता है, दीर्घ स्वर संधि का सूत्र अक सवर्णे दीर्घ, अक सवर्णे दीर्घ। अगर समान वर्ण आते हैं तो उनका दीर्घ हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, अर्थात अक प्रत्याहार के बाद उसका सवर्ण आए तो दोनों मिलकर दीर्घ बन जाते हैं। जैसे हिम धन आलय में यहाँ पर देखिए, मा में अ छिपा हुआ है और यहाँ पर आ है, तो छोटा आ और बड़ा आ मिलकर के क्या हो जाएंगे, बड़ा आ हो जाएंगे। इस तरीके से छोटा आ खाली रहेगा तो ये भी बड़ा आ बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। छोटी ई मिलकर बड़ी ई, इस तरीके से जो भी वर्ण आपस में समान वर्ण मिलेंगे उनका दीर्घ हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हिम धन आलय हिमालय, विद्या धन आलय विद्यालय। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू पर। नदी शब्द के प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों के रूप लिखिए। सभी शब्द रूपों को मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया अच्छे से क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि पूरी सीरीज आपको राजन सीरीज पवन सीरीज ये सब अच्छे से समझ में आए, सारे अति लघु उत्तरीय बहुविकल्पीय प्रश्न, तो प्लीज एक बार आप लोग मास्टर क्लास देख लीजिए या फिर जो क्लासेस मैंने पढ़ाई है उनको आप लोग प्लीज देख लीजिए, खासकर संस्कृत। क्योंकि अगर आप अच्छे से एक बार केवल एक एक बार ही सारे क्लासेस को देख लोगे या मास्टर क्लास को ही केवल देख लोगे तो आपकी संस्कृत बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी और आप एग्जाम में बहुत अच्छा करके आएंगे। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्लासेस को जरूर देख लीजिए अगर आप चाहते हो कि संस्कृत में आपके 25 में से 25 पूरे आए। तो इसके लिए तो नदी शब्द के प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों के रूप, तो नदी नद्यो नद्या, तो नदी नद्यो नद्या, ये हो गया प्रथमा विभक्ति और तीनों वचनों में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर थ्री है। यहाँ पर देखिए, नमः के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो नमः स्वस्ति स्वाहा, जहां पर भी ये वर्ड मिलते हैं, ये शब्द मिलते हैं, वहां पर होती है चतुर्थी विभक्ति। बहुत ही आसानी से मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल देकर क्लासेस में समझाया है कि इन शब्द कौन कौन से ऐसे शब्द हैं, अगर आते हैं तो आप समझ जाओगे उसमें चतुर्थी विभक्ति यानी कि संप्रदान कारक होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पर। चौमासा में कौन सा समास है। चौ मतलब चार, मासा मतलब मास यानी कि महीने, चार महीने। तो चार शब्द क्या है, ये द्विगु समास होगा क्योंकि इसमें चार संख्या आ रही है, जैसे कि चौराहा हुआ, तिराहा हुआ, नवरात्रि हुआ, नवरत्न हुआ, इन सब में क्या होता है, इन सब में द्विगु समास होता है क्योंकि इन सब में संख्या आती है। क्वेश्चन नंबर फाइव है, संधि का अर्थ बताइए। तो संधि का अर्थ होता है दोस्तों जोड़ना। संधि का अर्थ क्या होता है, जोड़ना होता है, याद रखिएगा, संधि मतलब जोड़ना। जैसे कि बहुत सारे राजा क्या करते थे युद्ध में, जब उन्हें लगता था कि उनकी सेना हार जाएगी तो वो सामने वाली जो विरोधी सेना होती थी उसके राजा से संधि कर लेते थे, यानी कि जुड़ जाते थे। ये सब देखिए सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं पिछले वर्षों में, तो सीरीज पढ़ने से आपको यही फायदा होता है कि सारे क्वेश्चन भी आप देख लेते हो और कौन किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये भी आप देख लेते हो। तो जब अति निकट दो स्वर या दो व्यंजन परस्पर मिलकर परिवर्तन या विकार को प्राप्त होते हैं तो उसे संधि कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल को भी हम संधि कहते हैं। सिंपल सा, विद्यालय विद्या धन आलय बराबर विद्यालय, तो इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। क्वेश्चन नंबर सिक्स पर आते हैं, संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो संधि तीन प्रकार की होती है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको। यहाँ पर स्वरों से स्वरों का मेल, स्वर से व्यंजन का मेल या व्यंजन से व्यंजन का मेल होता है तो व्यंजन संधि होती है, तो इस तरीके से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन पर आते हैं, वर्ण किसे कहते हैं। भाषा में कई ध्वनियां होती हैं, इन ध्वनियों के लिए कुछ प्रतीक बनाए गए हैं और इन प्रतीकों को ही हम वर्ण कहते हैं।
या फिर ध्वनियों में सब उस छोटी से छोटी मुख से निकली ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसका बंटवारा ना हो सके या जिसका टुकड़ा ना हो सके। तो मुख से बोली हुई ऐसी ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं जिसके टुकड़े ना हो सके। क्वेश्चन नंबर 8 है, माहेश्वर सूत्र के जनक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। माहेश्वर सूत्र किसने बताए और माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? तो माहेश्वर सूत्र किसने बताए हैं? महर्षि पाणिनी ने बताए हैं और इनकी संख्या 14 है। माहेश्वर सूत्र मैंने आप लोगों को पहले ही चैप्टर में पूरा अच्छे से कैसे उसको याद करना है ट्रिक के माध्यम से ये भी बता दिया है। और अगर आपने अच्छे से याद कर लिया तो आसानी से आप प्रत्याहार भी बना पाएंगे और प्रत्याहार भी बना पाएंगे तो इस तरीके से आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो गलत नहीं होगा। तो महर्षि पाणिनि के व्याकरण में यहाँ पर देखिए पूछा है क्वेश्चन नंबर 9 में कि महर्षि पाणिनि के व्याकरण में कितने प्रत्याहार हैं? तो कितने हैं? 42 प्रत्याहार हैं टोटल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अक प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? तो सबसे पहले आपको सूत्र याद होना चाहिए, तो सबसे पहले होता है अयुड, फिर रिलरिक और सबसे लास्ट वाला जो वर्ण होता है ये पूरा एक सूत्र हो गया, ये दूसरा हो गया। तो अयुड में यहाँ पर देखिए अक प्रत्याहार, तो अक प्रत्याहार में यहाँ पर क तक यहाँ तक लिए जाएंगे वर्ण, लेकिन जो वर्ण जिनके नीचे हलंत होगा उन वर्णों को हम छोड़ देंगे। तो अक प्रत्याहार में आ जाएगा, ई आ जाएगा, उ आ जाएगा, अड़ा को नहीं लेंगे क्योंकि इसके नीचे हलंत है, फिर री आ जाएगा, री आ जाएगा और लास्ट में यहाँ पर का को फिर हम छोड़ देंगे क्योंकि का के नीचे हलंत है। तो आ ई उ री री यही यहाँ पर देखिए आ ई उ री री यही 5 वर्ण आएंगे अक प्रत्याहार में। तो इस तरीके से वहां पर मैंने आप लोगों को समझाया है प्रत्याहार इसी तरीके से बनता है। तो अगर सूत्र याद रहेगा आपको तभी तो आप प्रत्याहार बना पाएंगे, तो सूत्र याद होना बहुत जरूरी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, इक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो इक प्रत्याहार यहाँ पर देखिए हम ई से लेंगे तो ई को ले लेंगे, उ को ले लेंगे, री को अड़ा को फिर छोड़ देंगे क्योंकि अड़ा के नीचे हलंत है, फिर री को ले लेंगे और री को ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ई उ री री यहाँ पर 4 वर्ण आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये इक प्रत्याहार हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। स्वर को हम अच भी कहते हैं और व्यंजन को हल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्कृत में जो स्वर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और क्रुत स्वर। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, जबकि कहीं कहीं आपको 4 भी मिलेगा। तो यहाँ पर स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन और यहाँ पर एक और संयुक्त व्यंजन। आप लोगों को इसलिए याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि संयुक्त व्यंजन बार बार आपके एग्जाम में इसी पेपर में आप देखोगे बार बार पूछता है, तो ये चौथा भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं? तो स्पर्श व्यंजन मैंने आपको बताया है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के, ये सारे के सारे जो वर्ण है ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। तो क वर्ग में क ख ग घ ङ, च वर्ग में च छ ज झ ञ, ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण, त वर्ग में ता थ द ध न और प वर्ग में प फ व भ म। तो यही इनकी टोटल संख्या कितनी होती है? 25 होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 में अंतस्थ व्यंजन पूछ रहा है, तो अंतस्थ व्यंजन या रा लावा ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये दोनों याद रखिएगा, या रा लावा अंतस्थ है और तीनों श और ह, जब आप बोलोगे तीनों श और ह को आप बोल के देखिए तो आपके मुख से एक ऊष्मा ऊर्जा निकलती है, इसीलिए इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और य र ल व को आप बोल के देखोगे तो ये अंदर से इस तरीके से निकलते हैं कि ऐसा लगता है कि मुख बंद हो रहा है, य र ल व अंदर ही बोलते हैं इनको। तो इस तरीके से यहाँ पर अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर, अब संयुक्त व्यंजन बताइए। अब आप देख सकते हो यहाँ पर पहले स्पर्श, यहाँ पर व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं पूछा है, तो यहाँ पर देखिए स्पर्श व्यंजन आपने देखा, अंतस्थ व्यंजन आपने देखा, उस व्यंजन आपने देखा, अब इसके बाद देखिए संयुक्त व्यंजन भी पूछा है आप देखिए, तो इसीलिए यहाँ पर 4 प्रकार मैंने आप लोगों को बताया था बहुविकल्पी में भी।
आप संयुक्त व्यंजन यहाँ पर देखिए, तो ये कोई अलग से व्यंजन नहीं होते हैं, बल्कि ये संयुक्त व्यंजन किस लिए कहे जाते हैं, क्योंकि ये दो व्यंजनों के योग से बनते हैं। क और श से छ बनता है, त और र से त्र बनता है, और ज और इया यहाँ पे होगा, आ नहीं बल्कि इया होगा। इस तरीके से ज और इया से मिलकर के क्या बनता है, ज्ञा बनता है। ठीक है, ज और इया से मिलकर के। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, विसर्ग से क्या आशय है? तो किसी स्वर के अंत में आने वाले दो बिंदुओं को हम क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। जैसे बालका, गज, स्व, अत, ये जो दो बिंदु होते हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, अनुस्वार किसे कहते हैं? तो अनुस्वार अंग की मात्रा को ही क्या कहते हैं हम, जैसे अंगूर हुआ, हंस हुआ, कंश हुआ, अंश हुआ, इस तरीके से जो बिंदु लगता है ऊपर उसे हम अनुस्वार कहते हैं। अनुनासिक किसे कहते हैं? तो क वर्ण, च वर्ग, ट वर्ग तथा त वर्ग एवं प वर्ग के पंचम वर्णों को हम क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। यानी कि क वर्ग में अंग हो गया, च वर्ग में इया हो गया, ट यहाँ पर देखिए ट वर्ग में अणा हो गया, त वर्ग में ना हो गया, प वर्ग में माँ हो गया, इन सभी को हम अनुनासिक वर्ण कहते हैं। अंग, य, अणा, न, म अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं, क्योंकि जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे नाक से भी ध्वनि निकलती है। जैसे अंग, य, अणा, न, म आप बोल करके देखिए तो आपको समझ में आएगा कि नासिका से, नाक से इसमें कुछ ध्वनियां निकलती हैं, तो इस वजह से इन्हें हम अनुनासिक वर्ण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं, अ आ, अ आ का वर्ण, क, ख, ग, घ, ङ, ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। तो अ आ का, आ का दोनों यहाँ पर देखिए, छोटा आ, बड़ा आ, का वर्ग, क, ख, ग, घ, और ह जो है और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, तो यानी कि इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। अब क्वेश्चन नंबर 23 है, ता, था, दा, धा, ना का उच्चारण स्थान क्या? तो ता वर्ग का दंत होता है दांत से, ता, था, दा, धा, ना, आप बोल करके देखिए तो इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत होता है। अब क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, गम धातु में कोई दो उपसर्ग लगा करके शब्द बनाइए। तो गम धातु में अगर हम अभी उपसर्ग लगाएंगे, उपसर्ग आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है, तो अभ्युपगच्छति, और अनु लगाएंगे अगर तो अनु गच्छति। 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, पितृ शब्द रूप पंचमी विभक्ति के तीनों वचनों में लिखिए। तो अगर पितृ शब्द रूप, पिता शब्द रूप आपको अच्छे से याद होगा तो आसानी से आप पंचमी विभक्ति के तीनों रूप लिख पाएंगे। दोस्तों जो पंचमी विभक्ति है वो हो जाएगा पितु, पितृभ्याम, यहाँ पर माँ के नीचे हलंत, और पितृभ्या, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इस तरीके से पिता, पितरो, पितरा, पितरम, पितरो, पितरिन, पित्रा, पितृभ्याम, पितृभि, पित्रे, पितृभ्याम, पितृभ्या, और पितु, पितृभ्याम, पितृभ्य। तो इस तरीके से अगर आपने अच्छे से क्लासेस को पढ़ा है तो ये पिता शब्द रूप भी आपको याद ही रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, झलाम जस्व दंते किस संधि का सूत्र है? इसकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो झलाम जस्व दंते जशत्र संधि का सूत्र है, और इसकी परिभाषा है, यदि वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ और या र लावा में से कोई पूर्ण हो तो अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण हो जाते हैं। जैसे कि दिक, धन, अंबर, यहाँ पर हो जाएगा क वर्ग का, हो जाएगा अपने ही वर्ण का तीसरा अक्षर, यानी कि दिगंबर। क की जगह पे गा हो जाएगा, चा की जगह पे जा हो जाएगा, इस तरीके से। तो दिक, धन, अंबर, दिगंबर हो जाएगा। तो ये व्यंजन संधि है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 है, अस धातु लंग लकार का उत्तम पुरुष के तीनों वचनों में रूप लिखिए। तो आसम, आस्व, आस्म। क्वेश्चन नंबर 28 है, अभी उपसर्ग लगाकर कोई चार शब्द बनाइए। तो अभी उपसर्ग मान में लगाएंगे तो अभिमान, तो यहाँ पर विसर्ग है तो ये अभिमान है हो गया, यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं, ये गलत है। अभी ज्ञान में लगाएंगे तो अभिज्ञानम, यहाँ पर मुखम में लगाएंगे तो अभिमुखम। अगर हम नंदन के आगे लगा देते हैं अभी उपसर्ग तो क्या हो जाएगा, अभी नंदन, क्या हो जाएगा, अभी नंदन। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर चार शब्द आप लोगों ने देख लिए। इसके अलावा अभिलाषा भी लिख सकते हैं, अभिनय भी लिख सकते हैं,
अभिनेता भी लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये सब क्या है, अभिरक्षक, अभिमुख, ये सब अभि उपसर्ग के शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, पश्चिम शब्द में धातु एवं प्रत्यय लिखिए, तो ये पश्च धातु है और शतिर प्रत्यय है इसमें। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं, निम्न का संधि विच्छेद कर संधि का नाम लिखिए, तो सबसे पहले है विद्यालय, तो विद्यालय का संधि विच्छेद करेंगे, विद्या धन आलय, विद्यालय है संधि, यहाँ पर देखिए विसर्ग लगा हुआ है तो ये इसमें दीर्घ संधि है। फिर वधूत्सव में वधु धन उत्सव, इसमें भी दीर्घ संधि है। रविंद्र, रवि धन इंद्र, इसमें भी दीर्घ संधि है। पितृम, पितृधन ऋणम, तो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी दीर्घ संधि है। पावक, पोधनक, पोधनक नहीं बल्कि पोधनक होगा, पावक में पोधन अक पावक और इसमें अयादि संधि है। नायक, तो नायक नय धन अक नायक, इसमें भी अयादि संधि है। दोस्तों यहाँ पर देखिए पावक में पौधन अक ही रहेगा, पावक अयादि संधि, और नायक में नय धन अक नायक रहेगा, ठीक है। फिर यद्यपि का यदि धन अपि अयादि संधि, फिर तथैव का तथा धन इव वृद्धि संधि, तो तथा धन एव होगा ना कि ईव होगा दोस्तों, तथा धन एव, तथा धन एव, तो यहाँ पर ये देखिए ए की मात्रा है लेकिन यहाँ पर देखिए अ की मात्रा हो जाती है, तथैव हो जाता है, तभी से यहाँ पर क्या है, वृद्धि संधि है। अब क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं, हरिभि पितृणाम गुणा में विभक्ति और वचन दे, तो हरिभि जो है दोस्तों ये तृतीय विभक्ति बहुवचन है, पितृणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, और गुरुणा तृतीय विभक्ति एक वचन है। अब क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं, नदी नदीम नदीभि नदीशु में विभक्ति और वचन रहित, नदीम जो ये एक वचन द्वितीय विभक्ति है, नदीभि ये तृतीय विभक्ति बहुवचन है, और नदीशु सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें समास बताना है, तो सबसे पहले यहाँ पर है यथाशक्ति, तो यथाशक्ति प्रतिदिनम रातों रात या इस तरीके के जो भी वर्ण आते हैं प्रतिदिन इस तरीके के, इन सब में अव्ययी भाव समास होता है। इसके बाद पितृभक्त पिता का भक्त, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। फिर है विद्याहीन विद्या से हीन, इसमें भी तत्पुरुष समास हो जाएगा। राजपुरुष, इसमें तो तत्पुरुष समास होता ही आपको पता ही है। गजानन, तो गजानन गज यानी कि हाथी और नन यानी कि मुख, तो हाथी की तरह किसका मुख है आप सभी लोगों को पता है, गजानन हम किसको कहते हैं, भगवान गणेश को कहते हैं, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सबका मुख तो हाथी की तरह नहीं होता है ना, तो यहाँ पर विशेष बात की जा रही है, तो हाथी जैसा मुख यानी कि विशेषता बताई जा रही है कि हाथी का मुख, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। महाकवि महान कवि, तो यहाँ पर भी कर्मधारय समास। नील कमलम नीला कमल, तो यहाँ पर भी कर्मधारय समास, जहां पर भी विशेषण और विशेष की बात आती है वहां पर कर्मधारय समास होता है। अब पंचानन पंचानन में बहुव्रीहि समास। नीलकंठ नीलकंठ किसको कहते हैं, भगवान शंकर को कहते हैं, तो इसमें बहुव्रीहि समास। पीताम्बर पीला वस्त्र कौन पहनता, भगवान विष्णु, तो बहुव्रीहि समास। त्रिलोचने तीन है आंखें जिसकी, अर्थात भगवान शिव, बहुव्रीहि समास। लंबोदर लंबा है उधर जिसका, अर्थात भगवान गणेश, बहुव्रीहि समास। पंचवटी पंचवटी नौ ग्रह चतुर्मुख चौराहा तिराहा नवरात्रि नवरत्न, इन सब में क्या होगा, द्विगु समास होगा, सब में द्विगु है आप देख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं, ह्रस्व स्वर के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो ह्रस्व वर्ण में सब छोटा छोटी छोटा उ री ली, ये पांच वर्ण आते हैं। अब दीर्घ स्वर में कौन कौन से आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 में पूछ रहा है, तो दीर्घ स्वर के अंतर्गत बड़ा आ बड़ी ई ऊ री, इस तरीके से एक बार और यहाँ पर कर देंगे इसको, तो ये री हो जाएगा दीर्घ। फिर ए ऐ ओ औ, ये आठ वर्ण आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्लुत स्वर का उदाहरण दीजिए, तो प्लुत स्वर का उदाहरण है ओम। क्वेश्चन नंबर 37 है, स्वर से क्या आशय है, जिन वर्णों के उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उन्हें हम स्वर कहते हैं, यानी कि स्वर ऐसे वर्ण जो जिन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उन्हें हम स्वर कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 38 है, व्यंजन से क्या आशय है? जिन वर्णों के उच्चारण करने में किसी स्वर की सहायता ली जाती है, यानी कि स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को हम व्यंजन कहते हैं। जैसे क, क में आ छिपा हुआ है, क, स, ग, म, आप कुछ कोई भी वर्ण बोल के देखिए, उसमें आपको आ मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, रामाय गो ददाति में कौन सा कारक है? आप सभी को पता है जहां पर कोई चीज दान दी जाती है उसमें संप्रदान कारक होता है, तो राम गाय दे रहा है या दान कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक हो जाएगा, एक वचन। 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 40 पर आते हैं, गुरु शब्द के सप्तमी विभक्ति के सभी वचनों के रूप लिखिए, तो गुरो, गुरुओ, गुरुषु। दोस्तों इस तरीके से टोटल 40 क्वेश्चन आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप लोग सारे के सारे वीडियोस को देखिए। आपको सारे के सारे मास्टर क्लास के लिंक, सारे क्लासेस के लिंक, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के लिंक और सारे विषयों के राजन और पवन सीरीज के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। सारे विषयों को देखिए और मास्टर क्लास को बिना देखे मत जाइएगा अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आपकी जो तैयारी है वो बेहतर हो पाए। और इस वीडियो को अधिक से अधिक जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। और अगर आप अपनी तैयारी को कम समय में करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके बहुत अच्छे नंबर आए कम से कम समय में, अगर आपने कुछ भी तैयारी नहीं की है, और अगर आप चाहते हैं कि आपको सारे विषयों के नोट्स मिल जाएं, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सारे विषयों के टेस्ट, सारे विषयों के राजन और पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ, तो उसके लिए हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप को डाउनलोड, ऐप की जो लिंक है डाउनलोड करने की डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। सिंपली आप प्ले स्टोर पर जा करके टारगेट यूपी टेट सीटेट टाइप करेंगे तो आपको हमारा TUC लिखा हुआ येलो कलर का लोगो मिल जाएगा, इस तरीके का TUC लिखा हुआ, उस पर आप क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं। और इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करिएगा दोस्तों, आगे अगर कोई समस्या आती है ऐप के बारे में तो इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो आपको सारे विषयों के जो हमने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, हाथों से लिख करके जो पढ़ाया है, वो सारे आपको मिल जाएंगे, तो आप और अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। वहाँ पर वहाँ कोई ऐड, कोई प्रचार नहीं आता है, तो कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होगी। तो इस तरीके से पूरी वीडियो आप लोगों ने ध्यान से देखा, थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। चैनल से बने रहिए और सारी वीडियोस लेकर के हम आते रहेंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाते रहेंगे। जय हिंद।